Hello, my beautiful people. How are you all? I'm your friend Manu. Welcome to my channel, My Life, My Space. तो friends, आज नवरात्रों का पहला दिवस है और नवरात्रों की शारदीय नवरात्रों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. तो आज हम माँ दुर्गा के लिए भोग बनाने जा रहे हैं और उसमें हम बनाने जा रहे हैं राजगीरा यानी चौलाई यानी एमरेंथ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में चौलाई कहते हैं और यहाँ महाराष्ट्र में राजगीरा कहते हैं. उसका हम आज हलवा बनाने जा रहे हैं एक प्रसाद के तौर से. तो पहले देख लें फ्रेंड्स की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. तो ये मैंने एक कप लिया है चौलाई, एक कप ये मैंने जैगरी का लिया है, एक कप लिया है घी, ये मैंने कुछ 15-20 बादाम लिए थे और 10-15 काजू लिए हैं. आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं. अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो ना भी डाले तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और यहाँ पे मैंने 5-6 कार्डमम्स को क्रश कर लिया है कोर्सली. और हमेशा फ्रेंड्स जब भी आप भगवान को भोग लगाएं तो ये तुलसा दल जो तुलसी का हमारा जो सेक्रेट जिसे बेसिल लीफ कहते हैं उसको भी आप प्रसाद में जब बन जाएगा तो फिर हम उसके ऊपर रखेंगे. तो चलिए हमने यहाँ पे हमारी कढ़ाई को प्री हीट करने रख ही दिया है और अब हम इसमें सबसे पहले ये हमारा गाय का जो असली घी है वो डाल देंगे. पहले हम थोड़ा कम डालते हैं फिर धीरे धीरे अगर हमें जैसा लगेगा वैसे डालते जाएंगे, क्योंकि हमारा ये हमने कढ़ाई को प्री हीट करने पहले रख दिया था इसलिए हम जैसे ही घी मेल्ट होता है ये चौलाई का आटा हम डाल देंगे. फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं चौलाई भी बहुत न्यूट्रिशियस होती है, इसे जरूर अपनी डाइट में किसी ना किसी वे से जरूर आप इंक्लूड करें. चौलाई की सब्जी भी हरे रंग की चौलाई भी होती है, उसके पत्ते होते हैं और लाल रंग की भी होती है जिसे यहाँ महाराष्ट्र में लाल माठ कहते हैं. और हरे पत्तों की भी चौलाई हमारे नॉर्थ में तो खैर होती है और ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है. चौलाई की खीर भी बहुत अच्छी बनती है. और जैसे कि नवरात्रे अब आज से शुरू है तो आप चौलाई की रोटी भी बना सकते हैं, इसके आटे की चौलाई की खीर भी बना सकते हैं. तो ये मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी रोज एक एक रेसिपी और कैसे आप भगवान को माँ दुर्गा को प्रसाद भी लगा सकते हैं. तो इसे पहले हम चला लेंगे अच्छे से. तो फ्रेंड्स अगर इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, ये हेल्प करती है ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करती है, ये वेट लॉस में बहुत कामगार है, ये हमारी आंखों की लिए बहुत अच्छी है, ये हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है और इम्प्रूव करती है, ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है, ये इम्प्रूव करती है हमारा इम्यून सिस्टम, ये डायबिटीज को कंट्रोल करती है, चौलाई हमारे मसल ग्रोथ को भी इम्प्रूव करती है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हेल्प करती है प्रिवेंट करने के लिए, हार्ट अटैक्स प्रिवेंट करने के लिए भी हेल्प करती है. तो इसमें जब इतने गुण हैं तो इसे हम क्यों ना अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें. तो अभी देखिए इसको थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा और जब कढ़ाई से घी छूटने लगेगा तब ये हमारा इसमें हम बाकी की इसमें कोई ज्यादा तो सामान जाता ही नहीं है, जैगरी जाएगी. और यहाँ मैंने ये गर्म पानी भी करके रखा है, ये करीबन 1.5-2 कप पानी है. पहले थोड़ा डालेंगे, अगर आपको लगेगा ज्यादा डालने के लिए तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं. तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये अब एक जैसा हो गया है आटा घी. तो ये पॉइंट है कि हमें हमारा अभी तैयार है, इसमें हम पानी डालेंगे और क्योंकि बहुत गर्म है हमारे जो बिगनर कुक्स हैं उनके लिए हिदायत है कि पानी धीरे से डालें. और देखिए कितना कम लग रहा था और एकदम से अच्छे से फूल गया है फ्रेंड्स. और ये हमने
एक कप में डेढ़ कप से थोड़ा ज्यादा, दो कप से कम था पानी, वो डाल दिया है। अब इसमें हम जैगरी डालेंगे, हमने अपनी जैगरी भी डाल दी फ्रेंड्स। और देखिए ये मैंने एक कप घी था ना फ्रेंड्स, आप एक्चुअली पहले आधा कप डालिए फिर थोड़ा सा डालिए, देखिए इतना 1/4 बच गया है। अब हम इसमें हमारे जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं ये डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अच्छा लगता है और फेस्टिवल्स में तो मुझे लगता है कि जरूर प्रसाद में आप जरूर इसे डालिए। और अभी इसे अच्छे से चला देंगे और अब हम अपना साथ साथ ये जो कार्डमम्स का छोटी इलायची का पाउडर हमने कोर्सली क्रश करके डाला है, देखिए कितना रस्टिक लग रहा है। इंडियन खान पान की बातें ही अलग हैं। और फ्रेंड्स एक एक्चुअली मैं सोच रही थी कि अब अलग से नेक्स्ट ईयर के लिए भी हो जाएगा वीडियो बनाऊंगी मेरे बिगनर कुक्स के लिए भी, नवरात्रि के ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं अगर आपको थोड़ा सरसरी तौर पे बताऊं तो ये माँ दुर्गा और जो राक्षस थे उनके बीच जो ये 9 दिन की लड़ाई है उसके बारे में कहानियां हैं। और अभी तो टाइम नहीं है ये सब बताने के लिए। और कैसे माँ दुर्गा जो शक्ति का रूप है वो कैसे संहार करती हैं राक्षस का, और ये एक अपने लिए भी 9 दिन एक हमें अपने लिए अपना अवलोकन करना है कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उन्हें हम कैसे अच्छाइयों से दूर करें। मुश्किल काफी है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो ये छोटी सी कोशिश आप भी जारी रखिए, मैं भी जारी रखूंगी। तो देखिए अब ये कढ़ाई से निकलने लगा है, ये इसका मतलब है कि ये हमारा हलवा बनके तैयार है। तो अब इसकी प्लेटिंग कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल कढ़ाई से सब जो घी है, देखिए आपको पता लग रहा होगा कि ये बिल्कुल बनके तैयार है और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। अच्छे मन से बनाए, भगवान का नाम भी लेके बनाए तो चीज आपकी अच्छी ही बनेगी। कि मैंने गैस ही बंद किया, गैस भी बंद कर देती हूँ, इसको ऐसे कर देती हूँ। देखिए कितने बढ़िया से स्लाइड हो गया। तो फ्रेंड्स अब जैसे मैं कह रही थी ना कि तुलसी दल जो है वो रखेंगे हम, तो जैसे कहते हैं कि गार्निश कर देंगे हम तुलसी से, तो ये भगवान को बहुत प्रिय है। इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, कभी टाइम लगा तो फिर तब बताऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स आज माँ दुर्गा के लिए चौलाई का हलवा प्रसाद के रूप में बनके तैयार है और बहुत अच्छा बना है। मैं आशा करती हूँ कि आपका भी चौलाई का या राजगिरे का हलवा ऐसा ही बने जैसे कि आज मेरा बना है। मैं प्रे करती हूँ कि आप सबको माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स मिले। तो फ्रेंड्स प्लीज अगर आपको मेरा आज का वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई होगी तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राइट साइड पे जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, आपके ऐसे करने से मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर जाएं, वहां पे मेरे चौलाई के हलवे की रेसिपी पूरी डिटेल में आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, नमस्ते।